ये देखो बॉडी कंडीशन अभी कुछ ऐसी हो रही है, अभी दिखाता हूँ। मैं ना ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं बहुत अमीर घराने से हूँ या फिर मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर है, अमीर है, हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। हीरो से स्टार्ट किया एकदम, जब मेरे पास एक समय था कि मेरे को घर से 100 रुपए मिलते थे डाइट के और पेट्रोल के, मेरे को उस 100 रुपए में ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आए हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्टेडियम से। मैंने अभी अपने वर्कआउट खत्म करा है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? पर लेकिन ये देखो अपना इंतजाम पूरा, ट्राइपॉड ट्राइपॉड सब रखा है यहीं पे। पर यार बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, और ये जो 75 हार्ड का चैलेंज है ना यार, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं सोच रहा था पहले शुरू में कि यार बहुत आसान होगा, हो जाएगा, बड़े प्यार से निपट जाएगा, पर लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं, मैं तो बड़ा ही मुश्किल निकला यार। ये देखो बॉडी कंडीशन अभी कुछ ऐसी हो रही है, अभी दिखा देता तुम लोगों को भी। और जो मैंने 75 हार्ट शुरू करा है ना भाई, ये मैंने इसलिए करा है बस कि ताकि मैं अपनी बॉडी का पोटेंशियल जान पाऊँ, और जो मेरे फैट हो रहा है ये मेरे फैट निकल जाए। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि धूप पड़ रही है, फेस पे सब कुछ हो रहा है, तो भाई ये विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमें सनबाथिंग करनी चाहिए, विटामिन डी मिलता है, तो भाई उसी वजह से, मतलब उसी की उससे हमें विटामिन डी यहाँ पर मिल रहा है। वही जो मैंने बात बोल रही थी उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ मतलब। और बाकी इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊँगा कि 75 हार्ड चैलेंज जो है ये करना कैसे है, अगर कोई मेरे साथ स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे करे भाई मेरा, और उसको मतलब कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं बस यही कह रहा था कि भाई तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि तुम्हें 5-6 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि एक तो तुम्हें पानी पीना है 5 लीटर डेली। अबे यार पानी की बॉटल ढूंढ रहा था कहीं करके। 5 लीटर पानी पीना है डेली, और फिर उसके बाद तुम्हें करना है वर्कआउट 2 बार दिन में, एक दिन में मतलब 2 बार तुम्हें वर्कआउट करना है। एक होना चाहिए मॉर्निंग वर्कआउट और एक होना चाहिए इवनिंग वर्कआउट, और इसमें से एक होना चाहिए आउटडोर वर्कआउट, एक होना चाहिए इंडोर वर्कआउट। तो यही है भाई, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हें रहना है कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहे इसमें, तुमने एक भी चीज़ अगर एक भी दिन मिस करी तो तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा गर्क, मतलब तुम्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हो गई, मतलब तीसरी ये मेरे को लास्ट में बतानी थी पर मैंने पहले ही बताया, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। तो और क्या बोलते हैं, खाना, तुम्हें चीट मील कोई नहीं करनी है, और अगर तुम चीट मील करते हो तो इसका मतलब तुम्हें 75 दिन दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे, जहाँ तुमने स्टार्ट किया था वहीं से तुम्हें करना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ हो गई, और क्या कहते हैं, पानी हो गया और वर्कआउट हो गया 2 बार, कंसिस्टेंट रहना है, और तुम्हें एक बुक रीड करनी है, उसके 10 पन्ने तुम्हें रोज रीड करने हैं। इससे भाई तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कोई अच्छी सी किताब पढ़ना था कि जैसे कि मैं लॉ की पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पढ़ाई की है तो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेना भाई लोग मेरे। तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, और अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो सॉरी, वैसे मैं कर नहीं रहा क्योंकि मुझे 4 दिन हो चुके हैं, ये मैं 4th दिन है जो मैं बना रहा हूँ वीडियो। और भाई बस लोग यार तुम लोग सपोर्ट करो, तुम लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो शॉर्ट्स पे और हर जगह पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, तुम लोग बहुत अच्छे हो, आई लव यू ऑल। और बाकी ये कहना चाहता था मैं इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, मतलब जो मेरे आस पड़ोस के हैं, मतलब भाई बंधु, सब लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाओ कि 75 हार्ड चैलेंज को करना कैसे है, जबकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के ऑलरेडी डाली हुई है, बट लेकिन फिर भी मेरे को बोला लोगों ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देता हूँ यार, तुम लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। और एक दो चीज़ और कहनी थी यार तुम लोगों की, भाई
मैं ना ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं बहुत अमीर घराने से हूँ या फिर मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर है, हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई जीरो से स्टार्ट किया एकदम। जब मेरे पास एक समय था कि मेरे को घर से 100 रुपये मिलते थे डाइट के और पेट्रोल के, मेरे को उस 100 रुपये में ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। 3,000 रुपये एक महीने के तुम मान लो उस बंदा क्या कर लेगा, पेट्रोल भी स्कूटी का और क्या कहते हैं, मेरे को डाइट भी लेनी पड़ती थी उसमें ही। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे को जिम की फीस भी उसमें निकालनी है, तो जिम की फीस तो मैंने बाद में माफ करवा ली थी अपनी, वो दोस्त बन गए थे कि मैं बंदे लेके आ रहा था ज्यादा। तो भाई ऐसा ही है, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार तो भाई फल मिलता ही है। भाई मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे ना तुम्हें उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा अपनी लाइफ में, कसम से। मतलब अभी तो बहुत इमोशनल होकर बोल रहा हूँ मैं बात, कि जब जहां से शुरू करा था ना यार, तब मैं पैदल जाता था पता है जिम, मेरे पास उस समय पे स्कूटी नहीं हुआ करती थी घर में, मतलब सब लोग बिजी रहती थी स्कूटी, तो स्कूटी थी, बाइक थी, कार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था भाई। और फिर क्या कहते हैं, मैं पैदल जाता था कि मेरे को गेनिंग करनी थी, मैं पैदल पैदल जाता था जिम और फिर पैदल पैदल ही आता था, और घर से जिम था 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर पैदल तुम सोच सकते हो ऐसे गेनिंग कैसे होगी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद मुझे घर वालों ने स्कूटी दिलाई एक कॉलेज जाने के लिए, तो मैं उससे कॉलेज तो गया नहीं मैं जिम गया उससे और मैंने अपनी बॉडी बनाई। फिर मैं सोशल मीडिया पे आया और फिर धीरे धीरे जब मेहनत करते गए, मैंने अभी तक 500 से ज्यादा बंदों को ट्रेन किया है पर्सनली, पर्सनल ट्रेनिंग, और जो बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो तो पता नहीं कितनी है, वो तो गिनती ही नहीं है उसकी। तो भाई तो बस यही है यार, तो मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करो, और अगर तुम्हें भाई सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल होना है तो मेरा मानना यह है कि तुम लोग कंसिस्टेंट रहो और कुछ कुछ नया नया दिखाते रहो। जब जब तुम नया चीजें दिखाओगे ना भाई, तब तक जनता तुम्हें पसंद करेगी तब तक। और बाकी बहुत सारी स्टोरियां हैं, काफी लोग बोलते हैं कि मैं अंडरवेयर में फोटोज क्यों डालता हूँ इतनी, और ऐसा क्यों है ये वो, तो वो सब भी मैं बताऊंगा भाई धीरे धीरे तुम लोगों को। बाकी तुम लोग इतना प्यार करते हो भाई, प्यार बनाए रखो, एंड आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम।